मलिक अगर राजीनामा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्हें निष्कासित करें, ऐसी मांग भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने की। गुरुवार को इसी चीज को लेकर भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनसीपी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। अब नवाब मलिक जल्द से जल्द इस्तीफा दें, इस मांग को लेकर गुरुवार को शहर में भाजपा की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान बात करते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने कहा कि नवाब मलिक अगर राजीनामा नहीं दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्हें निष्कासित करना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि किसी भी बदले की भावना से ये कार्रवाई नहीं की गई है। राजीनामा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लेना चाहिए। माननीय शरद पवार जी ने उनको बोलना चाहिए कि तुरंत राजीनामा दो। और ये प्रथा परंपरा ये महाराष्ट्र है, ये पाकिस्तान नहीं है। और जिसमें महाराष्ट्र के नागरिकों का खून बहा है, बॉम्ब स्फोट में निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई है, जिनके नाम उसमें थे उनके नाम इस प्रकरण में आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मैं राजीनामा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मांगेंगे नहीं। ये शर्मनाक बात है। मेरा आह्वान है माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कि यदि नवाब मलिक जी राजीनामा नहीं देते होंगे तो मुख्यमंत्री जी ने उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस वक्त विधायक कृष्णा खोपड़े भी मौजूद थे, जिस दरमियान बात करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार सबसे ज्यादा नालायक और निकम्मी सरकार है, उन्होंने राज्य को डुबोया है। वहीं उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी मांग भी की। उद्धव ठाकरे की सरकार इतनी नालायक निकम्मी सरकार है, या दोन वर्षा मध्ये राज्याला डुबून खाल्ला है, भ्रष्टाचारा मध्ये सगळे मंत्री इन्वॉल्व आहे, कोणी बलात्कारामध्ये, कोणी चिटिंगमध्ये, आणि आता तर त्यांचे एक मंत्री जे ज्या दाऊद इब्राहिमने ज्या आतंकवाद्यांनी भारताच्या एकूण 1000 लोकांना मारण्याचं पाप केलं, अशा लोकाले त्यांनी जमीन त्यांच्याकडून घेतली, आणि म्हणून या नवाब मलिकावर देहद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा। आणि आमच्या सगळ्याची मागणी आहे राज्यपालाने याच्यामध्ये दखल घ्यावी। भले ही भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की गई, लेकिन इसके पीछे सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।